नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खूबसूरत प्लांट लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है जेक प्लांट। ये मैंने किस तरह ग्रो किया है मैं ये आज आपसे शेयर करूँगी। ये मेरे लगभग 3 साल के पौधे हैं जिसको मैंने कटिंग से काट के इसको पूरा इतना फैला हुआ तैयार किया है। अगर आप इसको और फैलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कटिंग कीजिएगा, तो यहाँ कटिंग करने से आपके यहाँ 2 ब्रांचेस डेवलप होंगी। जिस तरह मैंने यहाँ से कटिंग किया था तो यहाँ से 2 ब्रांच डेवलप हुए, और अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो ये लंबी होके बढ़ती जाएगी। यहाँ मैंने कट किया था तो यहाँ से भी 2 ब्रांच 3 ब्रांच डेवलप हुई है। अगर आप भूसी प्लांट चाहते हैं तो इस तरह आप कटिंग करते जाइएगा। अब इसको आप कटिंग कीजिएगा तो यहाँ से 2 ब्रांचेज डेवलप होंगे। इस तरह आप सभी कटिंग करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे ब्रांच बनना स्टार्ट होगी जो दिखने में बहुत सुंदर खूबसूरत लगेंगे। तो मैं आप आज के साथ शेयर करूंगी जो इसका कटिंग किस प्रकार लगाया है। मैंने इसकी कटिंग बहुत इजी है लगाना, कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ी सी गोबर खाद पुरानी वाली बजरी वाली मिट्टी लेना है आपको बस, और आपको इस तरह की लंबी वाली कटिंग लेना है जिसकी ब्रांच नहीं है। जिस तरह इसमें ब्रांच बनना स्टार्ट हुई है तो ये नहीं लेना है दोस्तों। मैं कटिंग लेने के बाद फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। इस तरह मैंने सारी कटिंग ले ली है। कटिंग लेते समय 2 इंच कम से कम इसको रखिएगा, नीचे वाली सब पत्तियां तोड़ दीजिएगा ताकि इसकी जो पत्ती है जमीन में टच ना हो, यही तो यहीं से पानी लगने से सड़ना स्टार्ट हो जाती। इस तरह आप सारी कटिंग जमीन में लगाते जाइए। इस तरह मैंने सारी कटिंग लगा चुके हैं। मैंने यहाँ जहाँ जहाँ से कट किया था इसमें भी 2 ब्रांचेस डेवलप होंगी। इस तरह प्लांट भूसी बनते जाएंगे। अगर आपको भूसी बनाना है तो इसको इसी तरह से आपको भूसी बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत लकी प्लांट है जो आप कहीं भी घर में डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह आपके अनेक पौधे बन जाएंगे प्लांट। अब जब इसमें जब ग्रोथ लेना स्टार्ट हो बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे, तो आप इसको कहीं भी गमले में छोटे छोटे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने 1 महीना पहले इसकी कटिंग लगाया था। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों इसका रिजल्ट, इसमें पूरी रूट डेवलप हो चुकी है। अब इसको आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। मैंने इसे डेकोरेशन के लिए मैं इसे छोटी सी कंटेनर में लगा के रखूँगी। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है। आपको थोड़ा ड्रेनेज होगा कि ध्यान रखना पड़ेगा, और पानी इसमें कम देना पड़ेगा, जैसे 3-4 दिन के बाद एक बार दीजिएगा, क्योंकि इसके पत्ते में पानी ऑलरेडी स्टोर रहते हैं। कोई भी पौधे लगाने के बाद इसके बाद थोड़ा आपको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। ये हल्की सी धूप पसंद करती है, और इससे को शेड में भी रखिएगा तो भी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। कड़ी धूप में इसके थोड़े पत्ते बर्न हो जाते हैं। इसको मैंने धूप और छांव में रखा था तो इसकी पत्तियां बहुत हरी है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो आज को आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत ही जल्दी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, बाय दोस्तों।